हाय स्टूडेंट, मैं देवेंद्र कुमार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। आज की इस वीडियो जो आपकी बेस्ड होगी वो चैप्टर नंबर 20 RS अग्रवाल क्लास 8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो कह सकते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ये चैप्टर आपका नाम है। और इंट्रोडक्शन की इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले हैं क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर के बारे में, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन की वीडियो आपकी बहुत खास होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें सारी नॉलेज, इसमें जो आप अभी तक पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में, उससे हट करके थोड़ा सा आपका नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो आप देखिए, सबसे पहली बात, यहां सॉलिड लिखा है, तो ये सॉलिड सॉलिड क्या होता है? ठीक है, ये सॉलिड क्या होता है? तो आपको पता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा, यानी डिफिनिट होगा। तो हम कह सकते हैं फिक्स्ड शेप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? सॉलिड होगा। ऐसा फिगर, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसका शेप जो होगा वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, अगर किसी सरफेस का, किसी किसी ऑब्जेक्ट का या किसी फिगर का आपको क्या दिख जाए? फिक्स्ड दिख जाए, शेप अगर फिक्स्ड दिख जाता है तो हम कह देंगे कि वो ही क्या होंगे? सॉलिड होंगे। सॉलिड की सीरीज में काफी बातें आपने क्लास 7 में पढ़ी होगी, लेकिन यहां हमको जो पढ़ना है वो दो और तीन बातें, हम कह सकते हैं तीन बातें। पहले दो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ना है, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको दूसरी बातें जो होंगी वो सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो यहां आप देखें जो हमें पढ़ना है वो पहला पढ़ना है क्यूबाइड, ठीक है, क्यूबाइड। उसके बाद में क्यूब्स के बारे में पढ़ना है, और अगला जो हमारा होगा वो सिलेंडर होगा। इन तीन के बारे में ही मुझे डिस्कस करनी है, मुझे जानकारी लेनी है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो बात यह आई कि क्यूब क्या होता, क्यूबाइड क्या होता है। तो आप देखें क्यूबाइड क्या बनेगा, आप कुछ इस तरीके से इसका फिगर आप जानते होंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका आप फिगर जानते होंगे कि जो क्यूबाइड बन जाता है, ठीक, वो कुछ इस तरीके से, ये आप देखें, ये जो आपको ऐसा सरफेस, इस तरीके से कोई फेस दिखाई पड़ जाता है, ऐसा कोई आपको जो है दिख जाए, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो हमें इंक दिखाई पड़ रहा है, इस इंक में क्या है? ये जो बॉक्सेस आपके हैं, आपके टिफिन बॉक्स, ये इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके यहां तक कि बुक भी, आपका बुक जब पेजेस बढ़ते चले जाते हैं तो वो शेप कैसा बना देता है? क्यूबाइड का बना देता है। तो ऐसे सरफेस की हम बात करेंगे, ये हमारा क्यूबाइड होगा। जबकि हम क्यूब की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि क्यूब में जो होते हैं सभी, है ना, वो स्क्वायर फेसेस लिए जाते हैं। यहां आप देखें कि जो इस तरीके से आपको फेस दिखेगा ये होगा, जबकि सिलेंडर आपको पता है, सिलेंडर ये शेप आपको दिख जाएगा, जिस तरीके से हम मार्कर की बात कर रहे हैं, ये शेप हमारा किस तरीके होगा? सिलेंडर के तरीके से होगा। क्यूबाइड क्या होते हैं? क्यूबाइड में जो होते हैं वो 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, यानी कोई अगर फिगर आपको 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से बन के दिख रहा है, कोई सॉलिड अगर आपका, है ना, कोई सॉलिड अगर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं? 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है, 6 रेक्टेंगुलर यहाँ फेसेस होते हैं। जबकि हम अगर क्यूब्स की बात कर लें तो यहां पर भी 6 रेक्टेंगुलर ना होकर के स्क्वायर फेसेस होते हैं, यहां 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। तो ऐसा फिगर जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होंगे वो क्या होगा आपका? वो आपका क्या होगा? क्यूब्स होगा। जबकि क्यूबाइड अगर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बनते हैं वो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? क्यूबाइड हो जाएंगे। क्यूबाइड में 6 रेक्टेंगुलर, क्यूब में 6 स्क्वायर। सिलेंडर जो होता है वो एक पेज को अगर हम फोल्ड करके बनाते हैं, मोड़ करके बनाते हैं, ठीक है, एक पेज को मोड़ करके बनाते हैं। सपोज की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है, सपोज की मैं बात कर लेता हूं कि ये आपका एक तरीके से पेपर दिखाई पड़ रहा है, और इस पेपर शीट को हम क्या कर दें, इस पेपर शीट को हम इस तरीके से मोड़ देते हैं। जब इस पेपर शीट को हम इस तरीके से मोड़ देते हैं तो मुझे जो ये शेप दिखाई पड़ जाता है, ये मुझे जो शेप दिखाई पड़ जाता है वो क्या होता है? वही आपका जो दिखाई पड़ जाएगा वो सिलेंडर की तरीके से होगा। जैसे आपका पेन, ठीक है, घर में जो सिलेंडर होता है, पानी के गिलासेस या मार्कर, ये सारे शेप आपको सिलेंडर की तरीके से दिखाई पड़ते हैं। तो सिलेंडर किससे बनता है? रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। एक ही रेक्टेंगुलर फेस जब होता है उसको इस तरीके से मोड़ा जाता है तो वो सिलेंडर बन जाता है। तो सिलेंडर में काफी चीजें होती हैं जो जानना है हमें।
तो क्यूबाइड की अगर हम बात कर लें, क्यूबाइड की अगर हम बात कर लें तो क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड में पहली चीज हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो एल बी और एच। ठीक है, अगर एक फेस पे हम खड़े हो जाते हैं, अगर हम यहाँ खड़े हो जाते हैं किसी एक स्थान पे, किसी एक कॉर्नर पे खड़े हो जाते हैं, तो दिस लाइन है ना, दिस एज और दिस एज, ये सभी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हमारे जो होंगे वो उसके डायमेंशन होंगे। अभी तक हम टू डाइम, इससे पहले हम जो पढ़ा होगा वो टू डायमेंशन के बारे में, यहाँ हम थ्री डायमेंशन के बारे में पढ़ा रहे हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वॉल्यूम जिसका होगा वो क्या होगा, एल बी और एच। यहां अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो यहां जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, क्योंकि सभी एजेस इसके सेम होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एज पर क्यूब हो जाएगा, एज पर जो क्यूब हो जाता है वो उसके वॉल्यूम की बात हो जाती है। अब अगर बात आई, अगला जो हमारा टर्म आया वो आया इसके डायगोनल्स पे। ठीक है, अगर जो डायगोनल्स इसका होगा वो डायगोनल क्या होगा, इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, वो डायगोनल जो होगा इन सभी पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस तरीके से डायगोनल निकालेंगे तो सभी सभी इसके जो एज हैं, सभी इसके जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हैं उसका स्क्वायर करके उनका सम अगर फाइंड किया जाएगा और उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, डायगोनल के इक्वल होगा। सेम डायगोनल यहां पर देख सकते हैं, इसके लिए भी डायगोनल होगा। ठीक है, डायगोनल क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट अगर हम उसमें बात कर लें कि लॉन्गेस्ट अगर कोई हम रखें, अगर उसमें एक मान लीजिए लाइन खींचना चाहे, लाइन ड्रॉ करना चाहे, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट होगा वही उसका डायगोनल होता है, जो दो कॉर्नर से मिलकर बने हो जाते हैं, दो अपोजिट कॉर्नर से डायगोनल। अब अगर यहाँ हम डायगोनल की बात कर लें तो अगर इसको ए कह दिया जाए, इसको ए कह दिया जाए, तो इसको ए भी कह दिया जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, थ्री ए स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, थ्री ए स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट थ्री ए लिखा जा सकता है, क्या होगा, रूट थ्री ए, क्या होगा, रूट थ्री ए होगा। तो अगर रूट थ्री इसकी हम देख सकते हैं। अब अगला बात इसका है टीएसए और सीएसए, दो टर्म्स इसके मिल जाएंगे, सीएसए ना होकर के एलएसए, एलएसए ऑफ LSA, LSA जो इसका होगा, क्योंकि हम सब बातें यहां जो पढ़ा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, हम क्यूबाइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। LSA क्या होता है, LSA सिर्फ उसकी बाउंड्री ली जाती है जबकि वो टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाता है। किसी अगर कमरे की हम दीवाले की बात कर लें, सिर्फ दीवार जो होती है वो उसका जो लिया जाता है वो LSA लिया जाता है, यानी इसमें जो होते हैं सिर्फ दीवार ली जाती है, बॉटम और टॉप को छोड़ दिया जाता है। तो जो इसका फार्मूला आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, यहां अगर हम LSA की बात करेंगे, यहां LSA जो हमारा होगा, भाई क्या होते हैं, फोर फेसेस लिए जाते हैं LSA में, फोर फेसेस लिए जाते हैं, वो फोर फेसेस क्या होते हैं, दीवार होती है, टॉप और बॉटम नहीं होता है। जबकि हम पूरे फेसेस की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो सिक्स फेसेस होते हैं। आपने क्यूबाइड के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो इसके फेस होते हैं वो कितने फेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं। जबकि आप देख सकते हैं सिक्स फेसेस होते हैं, वन पीछे भी टू, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, है ना, ये सभी मिला करके सिक्स। और जबकि हम कॉर्नर की बात कर लें तो फोर यहाँ से और फोर यहाँ से, ये उसके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, कॉर्नर होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस कितने हैं इसके, एट। जबकि इसमें लाइन जो यूज होती है वो टोटल लाइन कितना आ जाएगा, वो उसमें एज कितना हो जाएगा, एज 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 एज हो जाएगा, आप देख सकते हैं, वन टू थ्री फोर, फोर इधर, है ना, ये पूरा हो गया, और ये दोनों लाइन टू इधर से, तो 12 टोटल आ जाएंगे, तो 12 एज होते हैं। तो यहाँ पर हम जो एरिया निकालते हैं जब LSA की बात की जाती है, लेटरल सरफेस एरिया की बात की जाती है, तो सिर्फ इसके बाउंड्री लेते हैं, जो दीवारें खड़ी होती हैं उसमें फोर फेसेस लिया जाता है, टॉप बॉटम को छोड़ दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर और ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर क्यों लिखा गया, क्योंकि स्क्वायर फेसेस हैं और आपको पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइड का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगर इसको ए कह दिया जाए, ठीक है, साइड को किसी एक सिंबल के रूप में रख दिया जाए, तो वो ए लिख दिया जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जबकि टीएसए की हम बात अगर कर लें, यहाँ टीएसए जो होगा वो टोटल फेसेस ले जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, तो टू इंटू एल बी प्लस 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 बी एच,
प्लस एच एल। देखिए आगे टू लगा देने से ये फर्स्ट सेफ का, फर्स्ट सरफेस का, ये सेकंड सरफेस का, ये थर्ड सरफेस का होगा, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी डबल हो जाएंगे। थ्री आपको सरफेस यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, थ्री सरफेस उसके दिखाई पड़ रहे हैं, फेस दिखाई आपको उसके मल्टीप्लाई करके सम करके निकाला गया है, उसको डबल कर देंगे तो सिक्स हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि मेरे पास अगर फ्लोर है तो फ्लोर का क्या हो जाएगा एरिया, तो भैया फ्लोर किस तरीके से, रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगल की तरीके से, तो एल और बी यानी एल भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। यही जो सेम होगा वो कहाँ होगा, ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी है, बस खाली हाइट ले लिया गया है, हाइट से ऊपर कुछ ऊपर ले जा करके रख दिया गया है, यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल लेवल थोड़ा ऊपर कर दिया गया है। अगर मैं इस दीवार की बात कर लूँ तो इस दीवार में क्या होगा भैया, अगर हमने लंबाई लिया है ठीक है, तो दूसरी चीज़ क्या है, ऊंचाई है। जबकि अगर बगल वाले दीवार की बात करेंगे तो वहाँ अगर हमने इसको लंबाई कहा, लेंथ कहा, तो अगला वाला ब्रेथ होगा। तो यानी कि हमको दिखेगा अगर मैं इसको एल लेकर के काम कर रहा हूँ और दूसरी हाइट हो जा रही है तो क्या हो जाएगा, एच एल हो जाएगा। जबकि दूसरा हमारे राइट साइड या लेफ्ट साइड में जो वॉल होगी, आप बैठ करके जहाँ बैठे होंगे वहाँ देख सकते हैं, तो उसके बगल में आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर हमने इसको एल मान के रखा था तो ये क्या होगा, ब्रेथ होगा, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा तो बी और एच हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें क्या मिलेगा, एल बी मिला बॉटम का, हमारे सामने वाला जो मिला वो बी एच मिला, और हमारे राइट साइड में जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप देखें एच बी यानी बी एच हो जाएगा। तीनों को हमने ऐड कर लिया, उसका डबल कर दिया तो सिक्स मिल जाएगा। तो टोटल फेसेस आपको यहाँ सिक्स मिल जाएंगे। और यहाँ से हम टी एस ए अगर बात करेंगे क्यूब्स की, तो इसमें सिक्स फेसेस होते हैं, तो सिक्स ए स्क्वायर्ड। ठीक है, सिक्स ए स्क्वायर्ड, इसके यूनिट आप ध्यान रखेंगे, यहाँ यूनिट जो सभी के होते हैं वो यहाँ पर सेंटीमीटर या जो भी लिखा होगा, अगर क्यूबिक मीटर होता है ना, क्यूबिक मीटर होता है, यानी क्यूब यूनिट लिए जाते हैं, यहाँ पर जो होंगे वो क्यूब यूनिट रहेगा। ठीक है ना, कभी स्क्वायर यूनिट होता है, यहाँ क्यूब यूनिट रहेगा। यहाँ पर आप जो देखेंगे डायगोनल एक साइड होता है तो सिर्फ इसका यूनिट लिया जाएगा, जबकि एल एस ए टी एस ए कोई एरिया होता है तो अगर इन दोनों के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट लिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ भी जो इसके साथ फॉलो हो रहा है, यहाँ भी देख सकते हैं इसके लिए क्या होगा, वो क्यूब यूनिट होगा, यहाँ क्यूब यूनिट होगा, ये हम डायगोनल निकाल रहे हैं तो सिर्फ यूनिट कोई होगा, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर, मीटर में होगा तो मीटर, इन दोनों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट होगा। ये सारी बातें सिर्फ हम किसके लिए जान रहे हैं, ये सारी बातें हम क्यूब और क्यूबॉइड के लिए जान रहे हैं। अब जबकि सिलेंडर की बात की गई है, जबकि सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर क्या होता है, एक लाइन को ठीक है हम कह सकते हैं, जैसा आपको बताया गया कि ये एक रेक्टेंगुलर फेस है और इस एक ये रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल को इस तरीके से जब हम मोड़ देते हैं ठीक है, तो मुझे जो शेप दिखाई पड़ जाता है वो शेप ही क्या होता है, सिलेंडर होता है। यानी अगर हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, हम इसके एरिया को निकालना चाह रहे हैं, तो पहले मुझे क्या पता चल जाए, इस पेपर शीट की ज़रूरत होगी, और ये पेपर शीट जो मोड़ करके इस तरीके से बनाया गया है वो सिर्फ क्या बना है, उसकी बाउंड्री को बना रहा है, टॉप और बॉटम को छोड़ दे रहा है। तो पहले हम बाउंड्री की ही बात कर लें, ठीक है, पहले हम बाउंड्री की बात कर लें, तो यहां पर क्या होगा, इसका सबसे पहले वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर्ड एच जो होता है, पाई आर स्क्वायर्ड एच, जबकि यहां पर कोई डायगोनल नहीं रहेगा। जबकि हम बात करेंगे यहाँ एल एस ए ना लिख करके सी एस ए लिखा जाता है, रीज़न क्या है, एल एस ए में होता है लेटरल सरफेस एरिया एक लाइन के तरीके से होती है, जबकि सी एस ए कर्व सरफेस एरिया होता है, तो क्या होगा वो जो ये लाइन ऐसे इस तरीके से मोड़ करके बनाया गया ना, यानी कर्व के तरीके से होगा, तो उसका हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आप जो मिल जाएगा वो मिलेगा टू पाई आर एच, टू पाई आर एच। जबकि हम टी एस ए की बात कर लेंगे, टी एस ए की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर एच प्लस जो उसके फेसेस दो आप दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से जब हम इस तरीके से जब हमने लिया और इसको जब बनाया तो आपको क्या दिखेगा, ये जो बेस है ठीक है, ये सर्कुलर बेस है और ये सर्कुलर बेस है, जब इसको बंद किया जाएगा तब ये क्लोज्ड बनेगा। और हमें पता है टी एस ए जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया यानी पूरे क्लोज्ड का जो सरफेस एरिया आता है वो लिया जाता है, तो क्या काम कर लेंगे इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, जो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर्ड होगा जोड़ देंगे, क्योंकि एरिया जो होता है सर्किल का वो पाई आर स्क्वायर्ड होता है, जबकि दो बेस हैं तो दो टू हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है, ये इसका टी एस ए हो जाएगा। ठीक है, टी एस ए वॉल्यूम क्यूब मीटर क्यूब यूनिट रहेगा, ठीक है, और सी एस ए और टी एस ए जो होगा वो स्क्वायर यूनिट रहेगा,
ठीक है। यहाँ पर हम जो देखते हैं सिलेंडर के बारे में जानते हैं, सिलेंडर एक पूरा एक ये आप मार्कर देख सकते हैं ना, मार्कर का जो जो शेप है वो सिलेंडर के ही तरीके से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।